तकरीबन 6,000 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं और पाकिस्तान का जो एनुअल एक्सपोर्ट है वो 1.6 बिलियन डॉलर से बढ़ के अब तकरीबन 3 अरब डॉलर के लगभग जा पहुंचा। जी, आपने जैसे जिक्र किया, पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी कंट्री है जो कि फ्री लांच आईटी एक्सपोर्ट करती है। इसका मतलब है वो बच्चे जो घर पे बैठ के अपने घरों से इंटरनेट पे छोटे छोटे दुनिया को दे, जो भारतीय जनता भी कह रहा है और आप भी फरमा रहे हैं कि फ्री लांच जो लोग काम करते हैं उनका बड़ा हिस्सा है, तो इस शोबे में हुकूमती सरपरस्ती अगर मौजूद हो और बाकायदा हम इस पर तवज्जो दे रहे हो तो क्या कर सकते हैं और कितना हम इससे फायदा हासिल कर सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और फ्रीलांसिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा कि ये वो स्किल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जिनको आईटी की थोड़ी बहुत नोहर लेकिन तालीम है, यानी कि वो अंग्रेजी लिख सकते हैं इंटरनेट पे, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, वो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन लिख सकते हैं, कोई लेजर मेंटेन कर सकते हैं, कोई लोगो डिजाइन कर सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, ये ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है और इस पर पाकिस्तान एक्चुअली दुनिया के नंबर 3 पर है। पहला सबसे बड़ा मुल्क अमेरिका है, दूसरा यूक्रेन है, तीसरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख लोग, ये नौजवान यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं, घरों से बैठ के इस तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे टैस्क कंप्लीट कर रहे हैं और हर साल पाकिस्तान के लिए तकरीबन 1 अरब डॉलर के लगभग जो है ये अपनी स्किल्स को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया एक्चुअली चौथे नंबर पर, हालांकि उसकी 7 गुना हमसे बड़ी आबादी है। तो ये तो टेस्टमेंट है पाकिस्तान के इंजीनियर्स को, उनके टैलेंट को, कि उन्होंने किसी चीज़ का इंतजार किए बगैर, किसी सरपरस्ती के इंतजार किए बगैर घरों से बैठ के इतनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए अकम्पलिश किए। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में हम 1 मिलियन फ्री लांसर्स, 10 लाख फ्री लांसर्स, 1.5 लाख पहले मौजूद है, 1 मिलियन फ्री लांसर्स ट्रेन कर लें और 1 घंटे में सिर्फ $2 चार्ज करें तो ये फ्री लांसर्स एक दिन में 7 घंटे काम कर सकती डांसर, तो $14 मिलियन एक दिन में कमाएंगे। और ये जो टोटल रकम है ये इतनी बल्कि एक साल में जितनी पाकिस्तान की टोटल फॉरेन डेट सर्विसिंग है। तो पाकिस्तान की जो टोटल फॉरेन डेट है जो कि पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा है, वो इन फ्री लांसर्स के थ्रू पाकिस्तान हर साल पे बैक कर सकता है। अगर ये फ्री लांसर 10 लाख ट्रेन हो जाए और 1 घंटे में सिर्फ $2 चार्ज करें, इससे ज़्यादा भी चार्ज किया जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मीशत जो है वो बहुत तेज़ी से आगे जा सकती है। मैं एक और खबर आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके तवसुक से लोगों के लिए, कि अक्सर ये समझा जाए कि पाकिस्तान छोटा मुल्क है इंटरनेट यूजेज के हिसाब से। पाकिस्तान में 37 करोड़ 70 लाख इंटरनेट यूजर्स हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के इंटरनेट यूजर्स की तादाद कैनेडा की सारी पॉपुलेशन से, कैनेडा की सारी आबादी से ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैफ, बड़े ही जबरदस्त किस्म के आदाद शुमार हमारे सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है फ्रीलांसर्स के हवाले से जो आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, घरों पे बैठकर जबरदस्त तरीके से जर मुबादला मुल्क के लिए कमा रहे हैं और आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी मजीद इस सेक्टर में तरक्की करेगा। हमारे पड़ोसियों को इस पर तशवीश पहले ही हो चुकी है। इस अच्छी खबर के साथ यहाँ पर प्रोग्राम का इख्तिताम होता है।